चलो, लास्ट टाइम हमने बात की थी बच्चा किसकी, प्लेन मिरर की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है बच्चा, तो प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हम लोगों ने। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी क्या थी, रिवाइज करा देता हूँ। प्लेन मिरर जो है बच्चा, यार ये सब लोग टाइम से क्यों आते हैं। प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टी थी हमारे पास, वो क्या थी बच्चा? पहली प्रॉपर्टी तो क्या थी कि वो इमेज जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे, मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये मेरे पास मिरर है, तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मान लो डी है, उतने ही डिस्टेंस पे मेरे पास क्या बनेगी, इमेज बनेगी डी डिस्टेंस। तो पहली चीज तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इज इक्वल फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। इतनी बात समझ में आती है बच्चा? अच्छा, अब दूसरी पॉइंट क्या है, इमेज जो है बच्चा, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इज इक्वल टू इमेज का साइज। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा मेरा, उतना ही इमेज का साइज बनेगा, ना छोटी बनेगी ना बड़ी बनेगी। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है बच्चा, कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट रियल है, रियल ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज जो बनेगी बच्चा वो बनेगी वर्चुअल, और अगर मेरा ऑब्जेक्ट मेरा वर्चुअल है तो इमेज बनेगी बच्चा रियल। ये पुट्ठे काम करता है बेसिकली, अगर रियल है तो वर्चुअल बनाएगा और वर्चुअल है तो रियल बनाएगा, सेम साइज की बनाएगा। उसके बाद जो पॉइंट है बच्चा मेरे पास, इसमें क्या है कि ये लेटरल इन्वर्जन शो करता है। लेटरल इन्वर्जन क्या है बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लो ये पॉइंट सबको क्लियर है बच्चा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज का डिस्टेंस मिरर से सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट का साइज इमेज का साइज सेम, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी, और ये लेटरल इन्वर्जन शो करता है। अब बता रहा हूं मैं लेटरल इन्वर्जन है क्या। जैसे मान लो ये सब लोग टाइम से आओ, मैं कल अलाउ नहीं करूंगा, बता रहा हूं 10:05 हो गए हैं। मैं नहीं कर रहा बताओ, जाओ मुझे भी बता, जो भी बंदा है वेटिंग रूम में रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो मेरे पास एक प्लेन मिरर है, इसके सामने मैंने एल ड्रॉ कर दिया ऐसे, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ठीक है, तो इसकी इमेज ऐसे बनेगी क्या, ए डैश बी डैश या सी डैश? कितने लोग बोलते हैं ऐसी बनेगी इसकी इमेज, चैट बॉक्स में सिर्फ। No. ठीक है, मतलब सबको समझ में आ गया, ऐसे नहीं बनेगी। गुड, तो बनेगी कैसे, इन्वर्टेड बनेगी बच्चा। मतलब कैसे, ये एल है मेरे पास, अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे एल, मिरर मेरे पास ऐसे है, तो एल ऐसे बनेगा। ठीक है बच्चा, तो इसे ही बोलते हैं हम लेटर इन्वर्जन। सिंपल सा फंडा क्या है कि सी का डिस्टेंस इस मिरर से जितना है ना, उतना ही सी डैश का होगा। ठीक है, ये सी है मेरे पास, सी का डिस्टेंस यहां से, तो सी डैश का भी डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए। ठीक है बच्चा, तो ये सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी है किसकी, प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर बड़ा आसान है। ठीक है, आपकी बुक में तो सिर्फ 4 लाइनें लिखते हैं प्लेन मिरर के बारे में, लेकिन हम काफी कुछ पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंसंट्रेट करें और मजा ले। चलो सुनो,
मैंने कल बताया था आपको, मान लो मेरा प्लेन मिरर इतना है, ऑब्जेक्ट मैंने यहां रख दिया है, तब भी इसकी इमेज बनेगी, ठीक है, इमेज बनेगी। और कहां बनेगी? देखो मिरर तो यहां तक है, मिरर तो ए से लेके बी तक है, ऑब्जेक्ट मेरा मैंने यहां रखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इमेज बनाने के लिए इसको मैं एक्सटेंडेड ड्रॉ कर लूंगा और ऑब्जेक्ट से क्या डालूंगा, परपेंडिकुलर डालूंगा। ये डिस्टेंस जो है उतने ही डिस्टेंस पे मिरर के बिहाइंड जो बनेगी वो मेरी इमेज बनेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, कहीं पे मतलब ये नहीं है, अगर इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा है तो इमेज पक्का बनेगी। ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट रख दूं यहां पे बिहाइंड द मिरर तो इमेज नहीं बनेगी। अगर मैंने इस साइड कहीं पे भी रख दूं इमेज बनेगी, पक्की बात है। दूसरी बात मैंने बताई थी कि ऑब्जेक्ट का साइज कुछ भी हो इमेज पूरी बनेगी। अगर मिरर मेरा इतना सा भी है और ऑब्जेक्ट मेरा इतना बड़ा है, ये मेरा मिरर का साइज है और ये मेरा ऑब्जेक्ट का साइज है, तब भी इमेज पूरी ही बनेगी, ऐसे ही बनेगी, लेकिन हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, दिखाई कुछ हिस्सा देगा, कुछ हिस्सा नहीं दिखाई देगा। वो कंसेप्ट मैंने बताया था आपको फील्ड ऑफ व्यू से, इस पर पूरी चर्चा करेंगे हम लोग, फील्ड ऑफ व्यू ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे आज बढ़ते हैं। ये कल वाला टॉपिक बताया मैंने, जो कल मैंने आपको पढ़ाया था आपको, ठीक है। अब सुनो, कुछ नई बातें करते हैं इसके अंदर। सबसे पहली चीज बच्चा जो आपको डिफाइन की जाती है किसमें, प्लेन मिरर केस में, वो है एंगल ऑफ डेविएशन। फिर इमेज बनाना सीखेंगे, प्लॉटिंग इमेज सीखेंगे। प्लेन मिरर में सबसे पहली चीज बता रहा हूं मैं आपको, एंगल ऑफ डेविएशन। ये है क्या एंगल ऑफ डेविएशन, सुनो। मान लो ये मेरा प्लेन मिरर है, ठीक है, एक रे आ रही है मेरे पास, इंसिडेंट रे ऐसे। अगर ये मिरर ना होता मेरे पास तो रे जाती सीधी, मानते हो, लेकिन अब ये रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि प्लेन मिरर है मेरे पास, रिफ्लेक्ट होके ये जाएगी ऐसे, मानते हो बच्चा, ठीक है। तो ये एंगल आई है और ये भी क्या होगा, एंगल आई होगा मेरे पास, ठीक है, क्योंकि एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल आर होता है मेरे पास, ऑल्दो वो मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है लेकिन दोनों बराबर है। तो अगर ये मिरर ना होता तो ये रे जाती स्ट्रेट, अब किधर जा रही है, इस तरफ जा रही है, मानते हो ये वाली डायरेक्शन, तो ये बेंड होगी बेसिकली। कितना बेंड हुई, कितना एंगल वो टर्न हुई, यहां से लेके यहां तक वो टर्न हुई है, तो ये जो एंगल है जितने से वो डिफ्लेक्ट होगी बेसिकली, उसे मैं क्या बोलता हूं, एंगल ऑफ डेविएशन। अब इसको निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है, देखो अगर रे स्ट्रेट जा रही थी ऐसे और वो बेंड हो गई ऐसे, तो अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो ये एक स्ट्रेट लाइन जो बनाती है पूरा एंगल, ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, तो वाई मेरा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन पूरा एंगल कितना बनाती है, 180 बनाती है, तो ये पूरा एंगल जो है मेरे पास वो 180 है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस एक्स, इतनी बात चमकती है। तो वाई ही मेरा क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो अगर मैं एक्स निकाल लूं तो बात बन जाएगी, अब एक्स क्या है मेरे पास, ये पूरा एंगल, ये एंगल कितना है आई, ये एंगल भी कितना है बच्चा आई, ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, 2i। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो आएगा बच्चा मेरे पास वो क्या आएगा मेरे पास, 180 माइनस आई।
या 2i, 180 माइनस 2i, ये मेरा, इसको लिखता किससे हूं मैं, सिंबल यूज करता हूं डेल्टा डेविएशन के लिए, ये सिंबल यूज है। तो प्लेन मिरर कितना डेविएट करता है वो डिपेंड करता है किस पे, आई पे, ठीक है बच्चा। तो आई होप मुझे आपको समझ में आ गया होगा एंगल ऑफ डेविएशन। एक प्लेन मिरर लाइट को डेविएट करता है 180 माइनस 2i से। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है बताओ मुझे, ठीक है। अब ये तो आप सीख गए बड़े प्यार से, ठीक है। अगर मैं दो प्लेन मिरर ले आऊं तो एक का तो फॉर्मूला याद कर लिया आप लोगों ने कि भाई 180 माइनस 2i आएगा। एग्जांपल के तौर पर कराया तो मान लो आपको मैं, वैसे टाइम पास ही है बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस एग्जांपल करा रहा हूं मैं। मान लो एक इंसिडेंट रे आ रही है ऐसे, वो एंगल बना रही है कितना, 30 बना रही है, और ये प्लेन मिरर है मेरे पास, तो बताओ डेविएशन कितना है। टाइम पास सवाल, ठीक है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस ये आई दे रखा है आपको। फॉर्मूला क्या है, 180 माइनस 2i, आई की वैल्यू कितनी है 30, तो 180 माइनस 2 टाइम्स 30 दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 60 दैट इज 120। तीन बच्चों ने अपने हाथ खड़े किए, भाई किस लिए खड़े किए बताओ, भाई चैट बॉक्स में बताओ मुझे। 120, ठीक है, जिन्होंने हाथ खड़े करे बताओ किस लिए बोल रहे हो हाथ, कोई डाउट है या आंसर दे रहे हो खाली। चलो ये तो सिंपल हो गया, अब नेक्स्ट लेवल का देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास दो मिरर है, और रे मेरे पास ऐसे आ रही है, मान लो ये एक मिरर ऐसे है और एक मिरर मेरे पास ऐसे, दो मिरर हैं और रे मेरे पास ऐसे आई, मान लो इसने एंगल बनाया, मान लो ये 60 मान लेते हैं अपन, मिरर के बीच का एंगल दे रखा है 60 डिग्री और यहां पे एंगल बना वो 30 डिग्री। अब ये रे आएगी, टकराएगी, टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, मानते हो बच्चा, रिफ्लेक्ट होगी तो फिर वापिस से इस मिरर पर टकराएगी, इस मिरर के बाद फिर से रिफ्लेक्ट होगी, मानते हो बच्चा। तो ये M1 मान लो, M1 मतलब मिरर 1, M2 मतलब मिरर 2। तो एक रे आई टकरा के इधर गई, फिर सेकंड मिरर पर टकराई, फिर वापस रिफ्लेक्ट हुई। तो मैं पूछ रहा हूं, देखो मिरर 1 ने डेविएट किया, मिरर 2 ने भी डेविएट किया। अब आपसे वो क्या पूछेगा बच्चा कि नेट डेविएशन कितना है, नेट डेविएशन कितना है वो आपसे पूछेगा। तो आप इसको ट्राई करो और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। जो सही आंसर देगा उसे 10 रुपए नगद इनाम, ठीक है जी, कैश करो भाई, 2 मिनट दे रहा हूं खाली। नहीं, मिरर 2 पे एंगल 60 मिले ना, ये दोनों मिरर के बीच का एंगल है। कनन ने आंसर दिया है 120। चलो योगिता ने कुछ और आंसर दिया है, योगिता है प्रमोद, आई डोंट नो, 120 मिरर 1 से, 120 मिरर 2 से, 120, ठीक है। लेकिन टोटल पूछा है मैंने, लक्ष्य ने दे दिया मेरे को आंसर, गॉड। चलो बच्चा सुनो, मैं सिखाता हूं क्या, देखो ये आपके बोर्ड में तो पक्की बात है आएगा नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग, आएगा किसमें, ये कंपटीशन में। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक सिखा देता हूं बड़े प्यार से, पूरा प्रूफ भी दे दूंगा आपको, फिलहाल शॉर्ट ट्रिक सिखा देता हूं कैसे करना है। 240 बोल रहे हैं मुझे, देखते हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं लेकिन देखते हैं बच्चा। पहले बता रहा हूं मैं, ये चीज बोर्ड में नहीं पूछी जाएगी, कॉम्पिटिशन में पूछी जाएगी,
तो उसका शॉर्ट ट्रिक आपको विद इन अ सेकंड निकालना आना चाहिए। वो कैसे निकालते हैं देखो, सबसे पहली चीज शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि अगर दो मेरे पास मिरर हैं, दो मिरर हैं और दोनों का डेविएशन इकट्ठा निकालना है मेरे को कि टोटल लाइट कितना घूमी, ठीक है, तो इसका आंसर जो आता है बच्चा वो आता है मेरे पास 2 थीटा। क्या आता है? 2 थीटा। लेकिन डायरेक्शन बताना जरूरी है, आप में से किसी ने भी डायरेक्शन नहीं बताई, ठीक है, आंसर सबने दिया लेकिन डायरेक्शन किसी ने बताई नहीं कि डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन बिना काम बनेगा ही नहीं। सुनो, पहली चीज, अगर दो मिरर है M1 और M2 और उनके बीच का एंगल दे रखा है आपको थीटा, ये M1 है ये M2 है, तो आंसर तो आएगा 2 थीटा। सेंस बताई नहीं आपने कि क्लॉकवाइज घूमेगी, भाई लाइट तो घूम रही है ना, बेसिकली रिफ्लेक्ट होने का टर्न तो कर रही है, क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी ये तो आपने बताया नहीं किसी ने। तो सुनो, आंसर आएगा 2 थीटा, लेकिन सेंस बतानी है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक। वो देखते कैसे है कि पहले रे किस पे टकराई, पहले रे टकराई मेरे पास मिरर M1 पे, फिर गई M2 पे। फर्स्ट रे टकराई किस पे? M1 पे, फिर गई किस पे? M2 पे गई है। तो आपको देखना क्या है, जिस पे रे पहले टकराई है और बाद में जिस पे टकराई है, तो पहले से दूसरे की तरफ चलो, पहले से दूसरे की तरफ चलो, M1 से M2 की तरफ चलो। अब ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? M1 से M2 जा रहा हूं तो वो एंटी क्लॉकवाइज है मेरे पास। तो आपको याद रखना है कि आंसर तो आएगा 2 थीटा। सेंस कैसे देखोगे? जिस पे रे पहले टकरा रही है, M1 पे टकरा रही है, फिर M2 पे, तो M1 से M2 की तरफ जो डायरेक्शन होगी आपकी वही मेरा सेंस होगा, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज। तो थीटा कितना दे रखा है आपको? 60 दे रखा है, 2 × 60 यानी 120। लेकिन 120 का आंसर क्या आएगा? ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज। यहां तक किसी बालक को कोई तकलीफ है, प्रूफ भी कर देता हूं इसको, रुको, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखाई है, मैं इसे प्रूफ भी कर दूंगा, ठीक है। लेकिन इसमें यहां तक कोई तकलीफ है किसी बच्चे को? अगर है तो चैट बॉक्स में बता दो मुझे। नहीं है, चलो देखते हैं अब इसका प्रूफ देख लें बच्चा। वैसे तुम ज्योमेट्री से कर सकते हो, देखते हैं प्रूफ कैसे करते हैं। यार ये आईफोन ने पंगे कर रखे हैं, एडमिट नहीं हो रहा है। ये एंगल कितना दे रखा है? 60 दे रखा है आपको। रे आई कितने पे? 30 पे आई थी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 30 पे थी ना बच्चा शायद, हाँ 30 पे थी, चलो 30 पे आई, 30 पे जाएगी, तो 30 पे आई और 30 पे चलेगी मान लो। ये एंगल भी 30, ठीक है बच्चा। अब कितना घूमी फर्स्ट मिरर ने, किस तरफ घुमाया इसको? अगर ये रे की बात करूं मैं, तो ये रे पहले इधर आ रही थी, अगर मिरर ना होता तो ये ऐसे जाती, स्ट्रेट निकल जाती है, मानते हो, लेकिन हमने इसको इधर घुमा दिया, तो ये सेंस कैसी है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? ये है मेरे पास क्लॉकवाइज। तो एक मिरर की बात करूं तो M1 ने कितना घुमाया? 180 - 2i, 180 तो है ही, आई कितना है? 30, यानी 2 × 30 यानी कि आ गया 120 आ गया। लेकिन घुमाया कैसे इसने? क्लॉकवाइज घुमाया, CW, ठीक है बच्चा। अब ये यहां चलेगी, अब देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल देखो ऐसे, और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में मुझे देखो, मुझे सेकंड मिरर पे क्या चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए। अगर सेकंड मिरर का मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल जाएगा, तभी तो मैं बोल पाऊंगा बच्चा कि वो कितना डेविएट होगी मेरे पास।
तो मुझे नॉर्मल से एंगल चाहिए, क्या चाहिए, नॉर्मल से एंगल, ये नॉर्मल है मान लो, इससे एंगल चाहिए, ये 60 है मेरे पास और ये भी कितना है 60, क्योंकि ये से 30 मारा तो ये 60 होगा, ये 60, ये 60, ये 60, ये 60, तो ये भी बच्चा क्या होगा 60। नॉर्मल कितना बनाती है, 90 बनाती है, तो ये एंगल क्या आ गया 30, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आ गया 30, तो जाएगा भी किससे, 30 से जाएगा। तो ये रे जा रही थी ऐसे, ये रे जा रही थी ऐसे, मैंने इसको रिवर्ट कर दिया ऐसे, तो यहां M2 पे बच्चा जो डेविएशन आएगा वो 180 माइनस 2i आएगा। यहां पे i कितना है, 30 है बच्चा, तो 180 माइनस 2i यानी 30 इंटू 2 यानी क्या आ गया 120। अब बताओ सेंस कैसी है, जा तो इधर रही थी, घुमा दिया मैंने ऐसे, कितने से, 120 डिग्री से घुमा दिया मैंने। अब ये सेंस कैसी है, ये भी मेरे पास क्लॉकवाइज है, तो मिरर वन ने घुमाया मेरे को कितना 120 डिग्री क्लॉकवाइज, M2 ने भी घुमा दिया कितना 120 डिग्री क्लॉकवाइज, तो टोटल डेविएशन जो आएगा, टोटल डेविएशन जो आएगा बच्चा मेरे पास, वो आएगा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। डेल्टा वन किसके कारण, मिरर वन के कारण, डेल्टा टू किसके कारण, मिरर टू के कारण, मानते हो बच्चा इस चीज को, तो दोनों के सम मैं कर दूं, यहां लिख रहा हूं मैं, तो 120 डिग्री क्लॉकवाइज पहले ने घुमाया, दूसरे ने भी 120 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, तो आंसर क्या आ गया 240 डिग्री क्लॉकवाइज। सर आपने तो बताया था कि 120 आएगा, वो भी आपने बताया था एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई बॉडी 240 घूम रही है ऐसे क्लॉकवाइज, या तो ऐसे बोल दो इस पॉइंट से कोई बॉडी 240 घूम रही है क्लॉकवाइज इस सेंस में, तो या फिर इसको घुमा दो 120, बात तो एक ही एंटी क्लॉकवाइज। पहुंचना था मुझे ये, इनिशियल पॉइंट मेरा ये था ए से मुझे बी पहुंचना है, तो या तो मैं चलूं कितना 240 डिग्री चलूं क्लॉकवाइज, या चलूं 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर मेरा क्या आएगा 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या 240 डिग्री क्लॉकवाइज, दोनों आंसर सही है बच्चे, ठीक है, ऑप्शन आपको एक ही मिलेगा हमेशा, क्लियर है, ओके बच्चा गुड। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखो, आंसर मेरा क्या है 2θ आया, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस का कोई रोल नहीं है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस का कोई रोल नहीं है, मैंने इसको 30 पे डाला था, जो पहली रे थी मेरे पास, इस रे को मैंने 30 पे डाला था बच्चा, तो इस आंसर में नो रोल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब क्या है, डेविएशन जो है बच्चा मेरे पास इंडिपेंडेंट ऑफ आई है, इंडिपेंडेंट ऑफ आई, दो मिरर के केस में याद रहेगा। तो अगर मैं पूछता आपसे, जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछता तो आप ओरली बता सकते हो उसको क्या, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि दो मिरर है, उनके बीच का एंगल दे रखा है 120 डिग्री, ये मेरा M1 है, ये मेरा M2 है, और मैंने बोला रे आ रही है, टकरा रही है किससे, M1 से, एट एन एंगल 45 डिग्री, तो आप आंसर बता पाओगे क्या आएगा आंसर, टोटल डेविएशन, ओरली बता दो, ऑब्जेक्टिव है ओरली, डायरेक्शन तो मत बोलना, दोनों में क्लॉकवाइज घुमा रहा था बच्चा वो, हाँ भाई बाकी लोग कोई आंसर नहीं दे रहा, चक्कर क्या है, आंसर हटवा दिया तुम्हारे को मैंने, ठीक है ओके, कुछ लोग एंटी बोल रहे हैं, कुछ लोग अंकल बोल रहे हैं, ठीक है जी, अच्छा गुड, चलो देखो बच्चा सिंपल सा फंडा है, इंडिपेंडेंट ऑफ आई है,
यहां पे कुछ भी हो मेरे पास फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आएगा? टू थीटा। टू थीटा कितना है? 120 डिग्री। अब रे टकरा किस पे रही है? मिरर वन पे टकरा रही है, तो मिरर वन से मिरर टू पे जाना है मेरे को, मिरर वन से मिरर टू पे, तो मिरर वन से टू जा रहा हूं ऐसे, तो ये सेंस क्या है मेरे पास? एंटी क्लॉकवाइज मानते हो, तो 240 एंटी क्लॉकवाइज या फिर 120 डिग्री क्लॉकवाइज, यही आंसर आएगा मेरे पास। ठीक है बच्चा, तो डेविएशन तुम कर लोगे मेरे हिसाब से, पक्का कर लोगे। ठीक है, अब जो मैं सिखा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इससे बच्चा, कितनी इमेज बनेंगे कितनी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बताता हूं पहले फटाफट, सुनो। आप एक एक मेरे पास अगर मिरर है, प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट रखा, तो उससे कितनी इमेज बनती है? एक ही बनती है, एक ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी एक ही बनेगी मेरे पास, रियल की वर्चुअल, वर्चुअल की रियल। ठीक है, अब अगर मान लो दो मिरर रख दूं ऐसे में, और ऑब्जेक्ट रख दूं यहां पे मान लो ऐसे, ये सेपरेशन दे रखा है मान लो आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये डिस्टेंस दे रखा है आपको 2, और ये दे रखा है 4। दो मिरर आमने सामने रख दिए और एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने ऐसे, 1 से 2 सेंटीमीटर पे और 1 से 4 सेंटीमीटर पे। मान लो ये M1 है और ये मान लो मेरे पास M2 है, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि कितनी इमेज बनेगी। ओके, लोग कह रहे हैं 4 इमेज बनेगी, 2 इमेज बनेगी, 4, 2। और कोई बच्चा? गैरी चुप बोल रहा है कि इनफाइनाइट। अच्छा, पल्लवी 2, और कोई भाई? 3-4 बच्चे बोल रहे हैं, बाकी कुछ बोल नहीं रहा भाई। ऐना बोल रही है इनफाइनाइट, आस्था भी बोल रही है। चलो चलो करते हैं बच्चा, सुनो। चलो, जो बोल रहे हैं इनफाइनाइट, ठीक है, उनका आंसर सही है, और जो बोल रहे हैं 2 उनका आंसर गलत है। तो इनफाइनाइट इज द राइट आंसर। क्यों बनती है इनफाइनाइट, मैं बताता हूं क्यों, और सारी में सेम बनेंगी डिफरेंट बनेंगी ये भी बात मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे इसमें, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। अच्छा जी, कशिश जी बोल रहे हैं 3 बनेंगी, शाबाश। इस पे एम्स में क्वेश्चन अच्छा आया था, वो क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं। देखो बच्चा, मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको फील आ जाए कि कैसे बनेगी इमेज। मान लो ये ऑब्जेक्ट था, ये यहां से 2 था, इसने रे टकराई ऐसे, टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, यहां पे रे इसने डाली, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, यहां भी रे डाली इसने, रिफ्लेक्ट होगी, जाएगी मानते हो। अब ये रिफ्लेक्ट हो रही है, इसको एक्सटेंड कर लो रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ, इसको भी एक्सटेंड कर लो पीछे की तरफ, तो इमेज बन जाएगी बच्चा मानते हो। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, कितने डिस्टेंस पे? 2 डिस्टेंस पे है, तो इमेज भी कहां बनेगी? 2 बनेगी मानते हो। तो M2 की पहली इमेज जो बनेगी वो कहां बनेगी? मैं इसे I1 बोल रहा हूं, ठीक है। अब ऐसे सिमिलरली इस पे जाके रे टकराएगी, रिफ्लेक्ट होगी, कहां जाएगी? इस पे टकराएगी, इससे रे गई, टकराई, रिफ्लेक्ट होगी, यहां जाएगी। अब इसको भी मैं एक्सटेंड कर दूं रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ, ठीक है, तो ये 4 है मेरे पास, तो ये भी क्या होगा? 4 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसे क्या बोलूं मैं? I2 बोल दूं मैं, ठीक है। एक्चुअली इसको मैं I2 इसे बोल देता हूं और I1 इसे बोल देता हूं ताकि याद रहे आपको, ये मिरर 1 की पहली इमेज है और ये मिरर 2 की। ठीक है बच्चा,
अब बच्चों ने सोचा कि दो ही बनेगी, एक ये बना देगा और एक ये बना देगा, ठीक है। लेकिन आप ये भूल गए, देखो सुनो, इससे रे निकली, दो वाले से रे निकली, ठीक है, जा रही है ऐसे, तो जो M1 होगा उसे क्या लगेगा, M1 को लगेगा बच्चा कि I2 से रे आ रही है, I2 से रे आ रही है मेरे पास, ठीक है। तो उसके लिए M1 के लिए, फॉर M1 मैं लिख रहा हूं यहां पे, फॉर M1, M1 को लगेगा कि I2 पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उससे रे आ रही है, तो वो I2 की भी तो इमेज बनाएगा, मानते हो। तो I2 का डिस्टेंस फ्रॉम M1 कितना है, फॉर M1 I2 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट। अब बताओ ये ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है, क्या एक्चुअल में यहां पर बैठा है, नहीं, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे यहां से आ रही है मेरे पास, ठीक है। तो उसे लगेगा कि I2 है यहां पे, है यहां से कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ मेरे पास, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा है मेरे पास, वर्चुअल है। अब इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, I2 की डिस्टेंस कितनी है M1 से, छह तो ये है और दो ये है, तो I2 की डिस्टेंस क्या होगी, 6 + 2 यानी 8। तो I2 ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके लिए, M1 के लिए, तो I2 की भी इमेज बनेगी, बनेगी कहां पे, बनेगी कहां पे, M1 से 8 डिस्टेंस की दूरी पे, मानते हो। सिमिलरली I1 जो है मेरे पास वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके लिए, M2 के लिए, I1 काम करेगा ऑब्जेक्ट का किसके लिए, M2 के लिए। डिस्टेंस कितनी है, ये तो 6 दे रखा है मेरे को और ये डिस्टेंस कितना है, 4। तो I1 की डिस्टेंस M2 से कितनी है, 10 हो गई। तो इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी, 10 पे बनेगी, मानते हो। सिमिलरली अब ये जो इमेज बनेगी वो फिर से M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ऐसे लगातार इमेज बनती रहेंगी, इमेज की इमेज फिर बनती रहेगी दूसरे मिरर में, तो इनफाइनाइट इमेज बनेंगी। अब मैं चैट देखता हूं क्या लिखा हुआ है इन्होंने, वर्चुअल आर्ट, आर्ट, चलो सही है बच्चों, पल्ले पड़ रहा है, हां जी बोलो। अब पता क्या सवाल क्या पूछता है, सबको ये पता लग गया कि बनेगी तो इनफाइनाइट, लेकिन वो आपसे पूछता क्या है, पूछता ये है कि बताओ लोकेशन बताओ कहां कहां कितने डिस्टेंस पे बनेगी। तो उसके एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं मैं आपको, ऑब्जेक्टिव में पूछे कि इमेज कहां कहां बनेगी वो बताओ, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं, वो शॉर्ट ट्रिक क्या है सुन लो। दो बंदों ने हैंड रेज किया, जिन्होंने हैंड रेज किया चैट बॉक्स में लिख दो क्या है, चलो कुछ बोल तो रहे नहीं है, मैं बताता हूं सुनो करते कैसे हैं। देखो आपसे लोकेशन पूछे कहां कहां पे इमेज बनेगी, तो मेरे पास ये मिरर था M2, ये था मेरे पास M1, और मुझे लोकेशन बताने का है कहां कहां, इनफिनिट तो बनेगी, सबकी लोकेशन बताओ कहां कहां बनेगी। ये डिस्टेंस 4 था और ये डिस्टेंस क्या था मेरे पास, 2 था बच्चा। तो आप एक काम करो, पहले M1 लिख लो फिर M2 लिख लो। M1 की पहली इमेज कहां बनी, इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है इससे, M1 से 4, तो पहली कहां बनेगी, 4 पे बनेगी। सिमिलरली M2 की पहली इमेज इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, M2 से 2, तो पहली कहां बनेगी, 2 पे। इतनी बात समझ में आती है, आया समझ में, अच्छा। अब जो मेरे पास M1 की पहली वाली थी, जो मेरी M1 की पहली वाली थी वो M2 की दूसरी वाली थी, याद करो 10 पे बनाया था मैंने, इसकी इमेज बनी थी 4 पे, ये इमेज काम करेगी इसके लिए ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो करना क्या है, शॉर्ट ट्रिक सीखो,
M1 की पहली वाली, ऐसे लिख लो, M1 की पहली वाली, M2 की दूसरी वाली का कारण बनेगी। और M2 की पहली वाली M1 की दूसरी कारण बनेगी। ये इसकी पहली वाली है, ये इसको दूसरी इमेज प्रोवाइड करेगी M2 को। तो करना क्या है, जो मिरर के बीच का डिस्टेंस है वो ऐड करते चलो। 4 में मैंने 6 ऐड किया था, 10 आया था, तो M2 की दूसरी कहां बनेगी, 10 पे बनेगी। M1 की दूसरी कहां बनेगी, 6 ऐड कर, जो मिरर का डिस्टेंस है वो ऐड करते चलो, कहां बनेगी, 8 पे। मैंने बनाया था ना, एक तो 8 पे बनी थी और एक बनी थी मेरे पास 10 पे। नेक्स्ट जो बनानी है, फिर से 6 ऐड कर दो, तो ये कहां बनेगी, 14 पे। फिर से 6 ऐड कर दो, 16 पे। फिर से 6 ऐड कर दो, 22 पे, 20 पे, एंड सो ऑन। तो ये M1 की पहली, ये M1 की दूसरी, ये M1 की तीसरी इमेज, ये M1 की चौथी इमेज, ये M2 की पहली, ये M2 की दूसरी, ये M2 की तीसरी, ये M2 की चौथी। ऐसे आप सबकी लोकेशन बता सकते हो। बस करना क्या है, पहली पहली इमेज बना लो, M1 की भी और M2 की भी। फिर M1 की इमेज ऑब्जेक्ट काम करेगी किसके लिए, M2 की। उस इमेज के डिस्टेंस में आप मिरर के बीच का डिस्टेंस ऐड कर दो, क्रॉस करते जाओ और इमेज की लोकेशन पाते जाओ। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है यार या नहीं आया? कितने लोगों समझ में आ गई बात मेरी? हाँ जी, टेक्स्ट करो। रिपीट। अच्छा जी, चलो सुनो बच्चा, स्टेप वन लिख, स्टेप लिख ले भैया अनुराग। स्टेप क्या है, पहला स्टेप बोलता है कि M1 की इमेज बना ले, M2 की बना ले। M1 से दूरी कितनी है, 4, तो इमेज कहां बनेगी, 4 पे। M2 से दूरी कितनी है, 2 पे, बना ली। उसके बाद कुछ नहीं करना, क्रॉस करते जाओ और मिरर के बीच का डिस्टेंस ऐड करते जाओ, क्रॉस बनाते जाओ और मिरर का डिस्टेंस ऐड करते जाओ, ऐसे। तो सारी लोकेशन मिल जाएंगे मेरे को, M1 कहां का बना रहा है और M2 कहां का इमेज बना रहा है। ये इससे आसान काम नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो आसान काम है। अब बताओ इसमें, पता है एक कैच है इसमें, इसमें कैच ये है बच्चा, सुनो। अब इतनी सारी इमेज बन रही है, इनफाइनाइट इमेज बन रही है, क्या सबकी सारी इमेज सेम होगी, क्या डिफरेंट होगी? बताओ मुझे, क्या सारी इमेज सेम दिखाई देंगी या अलग अलग दिखाई देंगी? कुछ लोग कह रहे हैं डिफरेंट, कुछ लोग कह रहे हैं सेम। अच्छा, साइज छोटा दिखेगा, कुछ लोग कह रहे हैं डिफरेंट 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 डिफरेंट। चलो अब वो डिफरेंट क्या है वो तुम्हें बतानी, ठीक है जी। सुनो, पहली चीज सुनो बच्चा, इधर इसमें कंसेप्ट है तुम्हें नहीं पता है, सुन लो। अगर मान ले मेरा ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, तो M1 भी इमेज यही बनाएगा और M2 भी इमेज यही बनाएगा, सेम साइज की बनाएगा, सब कुछ बनाएगा, फिर नेक्स्ट इमेज बनाएगा ऐसे, फिर ऐसे बनाएगा, तो सारी इमेज तो सेम ही दिखाई देगी मेरे को। इमेज सेम दिखाई देगी, यानी कि छोटी बड़ी दिखाई देगी, सेम साइज सेम रहेगा मेरे पास। बस फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा, इंटेंसिटी का फर्क होगा। इंटेंसिटी समझते हो, एक पे ज्यादा, जो सबसे पहली इमेज होगी वो ब्राइट होंगी, क्या होंगी, ब्राइटेस्ट होंगी, क्योंकि वो एक रिफ्लेक्शन से बन रही है। उसके बाद धीरे धीरे डिम होती 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 इंटेंसिटी डायआउट हो जाएगी और बहुत दूर जाते बाद बिल्कुल लेस इंटेंसिटी, ना के बराबर इंटेंसिटी होगी और वो दिखाई नहीं देगी। तो जो इमेज बनती है एक रिफ्लेक्शन से, जो इमेज बनती है सिर्फ एक रिफ्लेक्शन से,
उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और जो बनती है दो रिफ्लेक्शन के बाद उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी, और जो बनेगी तीन के बाद उसकी और कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर रिफ्लेक्शन बढ़ते जाएंगे तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी, जो आखिरी वाली मतलब बहुत दूर वाली पांच दस के बाद बेसिकली दिखाई देगी नहीं आपको, इंटेंसिटी इतनी कम हो जाएगी, दस के बाद तो दिखने के चांस ही नहीं है आपके पास। ठीक है, तो देखो जो पहली इमेज बनती है वो एक रिफ्लेक्शन से बनती है, दूसरी इमेज बनती है दो रिफ्लेक्शन से, तीसरी इमेज बनती है तीन रिफ्लेक्शन से। जैसे जैसे रिफ्लेक्शन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इतनी बात पल्ले पड़ रही है? अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि साइज सेम कैसे हो सकता है जब जब उनका डिस्टेंस तो अलग है। अच्छा, इसका आंसर मैं देता हूं। चलो सुनो एक बात, एक बच्चे ने मुझसे पूछा है, नाम बता रहा मैं आपको, उसने पूछा है कि यार आप कह रहे हो कि यार सबका साइज सेम है जबकि डिस्टेंस तो अलग है। मान लो ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा तो इमेज यहां बनेगी, ऑब्जेक्ट यहां रखा तो इमेज यहां बनेगी, तो बनेगी तो सेम ही बनेगी भाई, डिफरेंट थोड़ी बन जाएगी। अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हो गया मान लो यहां पे, तो मेरी इमेज यहां बन जाएगी। मैं यहां खड़ा हो गया तो यहां शाहरुख खान थोड़ी बनेगा। ठीक है जी, तो बेसिकली जो मेरे पास है चाहे मैं पास खड़ा हूं चाहे मैं दूर खड़ा हूं, साइज तो सेम ही रहेगा मेरे पास। ठीक है बच्चा, बस इंटेंसिटी का फर्क पड़ जाता है, दूर जाओगे तो इंटेंसिटी कम हो जाती है लाइट की, मतलब ब्राइट कम दिखेगा आपको, और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चा, चाहे पास खड़ा हो चाहे दूर खड़ा हो बनेगी सेम साइज की। प्लेन मिरर हमेशा सेम साइज की बनाता, ध्यान रखना, प्लेन मिरर साइज को ऑल्टर कभी नहीं करता, सिर्फ लेटरल इन्वर्जन करता। यहां तक पल्ले पड़ गया भाई सबको? किसी बच्चे को कोई डाउट हो प्लीज आस्क, है कोई डाउट? आगे बढ़ जाऊं? अरे हाँ ना तो बोलो। चलो ओके बच्चा, थैंक यू फॉर योर आंसर्स। अब नेक्स्ट करते हैं बच्चा, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। अभी तो मैंने जैसे ये लिया मान लो, ठीक है जी, अब मैं आपको एक एम्स का तगड़ा क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, एम्स का अच्छा क्वेश्चन जो अब तक ऑप्टिक्स में आया ना, मुझे ये क्वेश्चन पसंद आया आज तक एम्स में, वो क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन एम्स का है और दासु क्वेश्चन है। अब सुनो बच्चा, दो मेरे पास मिरर है, एक M1 है और एक M2 है। ठीक है, दो प्लेन मिरर है, पैरेलल रखे हुए हैं, ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट रखते हैं यहां पे, इस लाइन पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने। अब आपको बताना है इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनेगी। कितनी इमेज दिखे बनेंगी और कितनी दिखाई देंगी, बताओ भाई सब लोग। दो मिनट दे रहा हूं, सोचो आराम से इस पे। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है ये, आंसर दो मुझे सब लोग। सबसे आंसर चाहिए मुझे, चलो मैं ऑप्शन देता हूं, रुको। ठीक है, ऑप्शन देके मजा आएगा, रुको। ऑप्शन ए आपका फेवरेट, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी चार, ऑप्शन डी एक।
कितनी इमेज बनेगी इसका आंसर देना आपको, दिखाई वाला बाद में बात करेंगे, इसको बाद में बात करेंगे कितनी दिखाई देंगे। आप बता दो अनीता बसंती चंपा डॉली में से कौन सा है? चलो ए आंसर बोल रहे हैं सारे चमत्कारी बालक। चलो देखते हैं बच्चा, बट दिखेगी नहीं। अच्छा बनेगी इन्फिनाइट लेकिन दिखाई नहीं देगी, क्यों? वो मिस्टर इंडिया है। चलो चलो करते हैं बच्चा, सुनो तुमने दिमाग सबने लगा लिया, वेरी गुड। ठीक है अब एक बात बताओ मेरे को, जो मैं एग्जांपल कर रहा था, सुनो कौन है भाई, कोई डाउट है किसी का? दो बनेगी गौरव चुग, देखते हैं जी दो बनेगी तीन बनेगी। ठीक है अब सुनो बच्चा, मैं लास्ट टाइम इनफिनाइट क्यों बन रही थी उसका रीजन देखते हैं। सुनो ये मेरा मिरर था, ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट से टकरा के रे जा रही थी किस पे? दूसरे मिरर पे। ठीक है रे इस ऑब्जेक्ट की रे टकराई किससे? M1 से। टकरा के किस पे गई? M2 पे। टकरा के जा रही थी तभी तो उसे लग रहा था कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखा है। लेकिन अगर मान लो इसकी बात करता हूं, इस वाले केस की, इस वाले केस से अगर रे गई ऐसे स्ट्रेट गई तो स्ट्रेट वापस आएगी, और इधर गई तो बच्चा इधर रे जाएगी। मानते हो इस चीज को? इस ऑब्जेक्ट से अगर रे गई M1 पे तो रे टकरा के हमेशा बाहर की तरफ जाएगी, ऐसे रे डालूंगा तो बाहर की तरफ जाएगी, तो कोई भी रे वापस रिफ्लेक्ट होके M2 पे नहीं आ रही। M1 पे जो रे टकराएगी ना वो टकरा के दूर जा रही है, वो M2 पे वापस कभी नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑब्जेक्ट था, ये जो इमेज थी वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी। ये जो इमेज थी बेसिकली वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कब कर पा रही थी? जब इससे रे टकरा के M2 पे जा रही थी। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज तो बनेगी यहां पे, नो डाउट इमेज तो बनेगी यहां पे। अब ये जो इमेज है, ये वाली इमेज इस वाले M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो M2 पे टकरा ही नहीं रही। मानते हो इस बात को? ऐसे सिमिलरली इस ऑब्जेक्ट से यहां रे टकराई, वो सारी रे इधर आएंगी, तो इसकी जो इमेज बनेगी मेरे पास, यहां का इमेज बनेगी, वो इमेज, ये वाली इमेज M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या है? एक एक इमेज बनेगी, एक तो इधर बन जाएगी इमेज और एक इधर बन जाएगी। मानते हो? तो आंसर क्या है? दो इमेज बनेंगी। अगर दोनों पैरेलल ऐसे रखे हो ना आमने सामने, तब तो आंसर क्या है? इनफाइनाइट है। इस केस में क्या था? बिल्कुल एच पे मैंने ऐसे रखा था इसका, तो इससे रेट टकरा के इधर जा रही थी और इससे रेट टकरा के इधर जा रही थी, तो मिरर पे वो जा ही नहीं रही थी, इसलिए जो इमेज है एक मिरर की वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर ही नहीं पा रही थी। आया समझ में? कितने लोगों मेरी बात पल्ले पड़ गई है? नहीं पल्ले पड़ी तो बता दो प्लीज, बताओ आप आगे बढ़ो फिर मैं। चलो आ गया, इतने लोगों ने हाँ बोल दिया मतलब आ ही गया, चलो मेजोरिटी विंस। अच्छा ये बताओ, इसमें एक बात बताओ मुझे, बनेंगी तो दो, दिखाई कितनी देंगी एक टाइम पे? क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, बनेंगी तो दो, दिखाई कितनी देंगी एक टाइम पे? फिर से ऑप्शन दे रहा हूं, अनीता बसंती चंपा डॉली, बताओ क्या आएगा? दिखाई कितनी देंगी एक टाइम पे?
गुड, बच्चे होशियार हो गए हैं, कमाल है। सुनो, क्योंकि देखो अगर बंदा यहां खड़ा है, अगर बंदा यहां खड़ा है, इस पॉइंट पे खड़ा है, तो उसे ये रे तो यही दिखाई देंगी, तो उसे इमेज ये वाली दिखाई देगी, और बंदा यहां खड़ा है तो उसे इमेज ये वाली दिखाई देगी, मानते हो? तो एक टाइम पे एक ही दिखाई देगी। तो अगर आप पूछता कितनी बनेंगी और कितनी दिखाई देंगी, तो बनेंगी दो और दिखाई देगी एक, क्योंकि मैं भगवान तो हूं नहीं, सब जगह पहुंच नहीं सकता ना, तो जहां मैं खड़ा हूंगा उसके हिसाब से मुझे दिखाई देगी। इतनी बात समझ में आ गई बच्चा सबको? चलो, भाई ऑब्जेक्ट के ऊपर भी खड़े हो तुम, अगर मर नहीं जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है? एक बच्चा पूछ रहा है मुझसे कि ऑब्जेक्ट पे खड़े हो जाए तो बेचारे उसको मारना है क्या हम लोगों ने, ठीक है जी? तो उसके अलग ही खड़े होंगे बच्चा हमेशा, ठीक है, या तो ऊपर या नीचे। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो तरीका है करने का, सुनो, हमने बात कर ली दो पैरेलल मिरर की बात कर ली, व्हाट इफ अगर वो मिरर जो है वो पैरेलल नहीं है, किसी एंगल पे है, इट मे बी 30, इट मे बी 60, इट मे बी 90, इट मे बी 120, दो मेरे पास मिरर है और उनके बीच में डिफरेंट डिफरेंट एंगल दे रखा है, तो उसके बाद कितनी इमेज बनेगी वो देखना हमें, ठीक है? मान लो मेरे पास दो मिरर हैं ऐसे, एक M1 है और एक M2 है, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ इस लाइन पे, ये एंगल 30 दे रखा है और ये एंगल 60 है, अगर 90 दे रखा था तो ऑब्वियसली ये 30 होगा और ये क्या होगा, 60 होगा मेरे पास। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कितनी इमेज बनेगी, और कहां कहां बनेगी, मतलब एंगल बताना किस किस एंगल बनेगी। चलो ट्राई करो और बताओ मुझे कैसे कर सकते हैं। हां जी विश्वजीत जी, डाउट पूछा आपने, आप बताओ मुझे, टेक्स्ट कर दो बच्चा चैट में, मैंने सबको म्यूट कर रखा है तो आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी मुझे, तो आप प्लीज टेक्स्ट कर दो। ओके, बताओ भाई कितने बनेंगी, M1 M2 से कितनी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है मैंने, 30 में रखा है, किससे, M2 से, एनीवन विद आंसर, वाओ, ऑप्शन देना, लोग ऑप्शन मांग रहे हैं, माय गॉड, दो इमेज बनेंगी देखते हैं, एना भी बोल रही है दो इमेज बनेगी। चलो बाकी लोग क्या आंसर दे रहे भाई, प्रमोद दो बनेंगे, चल ठीक है, सबने अपने आंसर दे दिए, ठीक है, लेकिन ये आंसर गलत है, तो लेट मी एक्सप्लेन, जो फंडा हमने लगाया था ना बच्चा, किसके अंदर, पैरेलल वाले में, किसने हैंड खड़ा किया भाई, हां जी बोलो बच्चा, जिसने रेज हैंड किया फटाफट बोलो, चलो मैं करा रहा हूं, देखो बच्चा सुनो, सुनो भाई, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है मेरे पास वो ये है, वही कंसेप्ट यूज करेंगे जो पैरेलल में यूज किया था हम लोगों ने। सुख बोल रही है 4, चलो देखते हैं, ऑब्जेक्ट का एंगल कितना है M2 से, 30 पे, तो ये जो बनाएगी इमेज वो ऐसे बनाएगी, बनेगी तो एंगल 30 पे बनेगी, मानते हो? अब ऑब्जेक्ट का एंगल M1 से कितना है, 60 डिग्री, तो जो इमेज बनेगी वो एंगल कितने बनेगी, 60 बनेगी। तो करना क्या, जो तरीका हमने वहां अपनाया था ना,
वही तरीका अपनाओ, M1, M2। M1 की पहली इमेज कितने एंगल बनी है, 60 पे बनी है। मानते हो जितना एंगल बनाता है ऑब्जेक्ट मिरर से उतने ही एंगल पे इमेज बनती है, तो M1 की पहली इमेज बनेगी 60 डिग्री पे। M2 की पहली इमेज कितने बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है M2 से, 30 बना रहा है। ठीक है बच्चा, और तो ये पहली बन गई। उसके बाद करना क्या है बच्चा, सिंपल काम, जो काम पहले करते आए, पहले क्या करते थे, मिरर के बीच का डिस्टेंस ऐड करते थे ना, अब क्या करेंगे, मिरर के बीच का एंगल ऐड करो। इसमें ऐड कर दूं 90 तो क्या आ जाएगा, 150। इसमें ऐड कर दूं कितना, 90 तो क्या आएगा, 120। अब फिर से अगर मैं 90 ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, 210। 90 ऐड कर दूं तो 240 बन जाएगा। लेकिन बच्चा याद रखना, कभी भी एंगल 180 क्रॉस नहीं करने देना। 180 क्रॉस कर दिया ना एंगल ने, तो बिहाइंड द मिरर आ जाएगा। बिहाइंड द मिरर आ गया बच्चा तो इमेज बनेगी नहीं, तो ना तो 140 आएगा ना 210 आएगा। तो देखो 120, 150, M1 की दो बन रही है 60 और 120 पे, M2 की बन रही है 30 और 150 पे। लेकिन इसमें कैच है, कैच क्या है बच्चा, जो भी फाइनल इमेज हो, जो भी फाइनल इमेज हो किसकी, M1 की, फाइनल इमेज M2 की, तो उनका एंगल, मतलब फाइनल इमेज M1 कौन सी है, 120 है, और फाइनल इमेज किसकी M2 कितनी है, 150 पे, प्लस एंगल बिटवीन मिरर, एंगल बिटवीन मिरर, इन सब का सम अगर 360 आ गया ना, तो एक इमेज सुपर इंपोज करेगी, मतलब एक के ऊपर एक इमेज बन जाएगी, तो बनेगी तो उतनी पर दिखाई एक ही दिखेगी। तो 120 प्लस 150 प्लस एंगल बिटवीन 90, एंगल बिटवीन मिरर 90 दे रखा है मुझे, ये 270, 270 प्लस 90 क्या आ गया, 360 आ गया। तो अगर फाइनल इमेज ऑफ M1, ये फाइनल है क्योंकि 180 क्रॉस करना ही नहीं मार्क, और फाइनल इमेज किसकी है, M2 की, क्या मेरे पास 150, इन दोनों का सम प्लस एंगल बिटवीन मिरर अगर वो 360 आ गया, तो एक इमेज सुपर इंपोज करेगी। अब बनी कितनी थी, एक 60 बनी थी, एक 30 पे बनी थी मेरे पास, एक 120 पे बनी थी, एक 150 पे, तो चार इमेज बनी थी, उसमें से एक तो सुपर इंपोज कर गई, मतलब एक के ऊपर एक बन गई, तो टोटल कितनी बनेगी बच्चा, तीन दिखाई देंगी मेरे को। याद रहेगा बच्चा, पक्की बात है, किसी को कोई डाउट मेरे इस एक्सप्लेनेशन में, प्लीज रेज योर हैंड या फिर चैट बॉक्स में बता दो मुझे। जो टेक्निक सीखी थी ना हम लोगों ने, हाँ जी बच्चा बताओ क्या डाउट है, दोबारा रिपीट करना है क्या इसको, चैट में बोलो। सुपर इम्पोज कैसे करेगी, डायग्राम से शो कर दूंगा तेरे को मैं, ठीक है प्रमोद, ठीक है चलो मैं तुझे डायग्राम भेज दूंगा प्रमोद, ठीक है चलो। अब मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं एक, ठीक है, वो तुम बताना कितनी इमेज बनेगी, चलो फटाफट। एंगल दे रखा है मान लो 70 डिग्री, मिरर के बीच में एंगल दे रखा है 70 डिग्री, M1 M2 दे रखे हैं और एंगल है अपने पास 70 डिग्री, और ऑब्जेक्ट है यहां से M2 से 30 और M1 से 40, तो मुझे फटाफट फटाफट कितनी इमेज बनेगी बता दो।
हाँ जी बोलो। चार बनेंगी तीन दिखेंगी, चार चलो देखते हैं। कुछ लोगों ने बोल दिया है, ठीक है। हाँ भाई, जो रेज हैंड कर रहा है बच्चा वो चैट में लिख दे अपना, ठीक है। हाँ जी, 180 को भी कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि 180 मतलब मिरर पे खड़ा हो गया मैं, मिरर के ऊपर खड़ा तो बनेगी नहीं मेरी, सिंपल सी बात है। 180 या 180 से बड़ी वाली छोड़नी है। चलो देखते हैं बच्चा, मैंने क्या किया, M1 की पहली इमेज कहां बनेगी, 40 पे बनेगी। M2 की पहली इमेज कहां बनेगी, 30 पे बनेगी। फिर मुझे क्या करना है, मिरर के बीच का एंगल जोड़ना है। मिरर के बीच एंगल कितना है, 70। इसमें 70 जोड़ा तो क्या आ गया, 110, ठीक है। ये 180 से कम है, ठीक है, तो बनेगी इमेज। फिर 30 में 70 जोड़ा तो क्या आ गया, 100 आ गया मेरे पास, तो ये भी बन गया। अब नेक्स्ट 100 में क्या जोड़ा मैंने, 70 जोड़ा तो 170, तो 170 तो बच्चा 180 से कम है तो अलाउड है मेरे पास। 110 में मैंने 70 जोड़ा तो 180 बन गया, तो 180 तो मेरे को बनेगा ही नहीं, क्योंकि बिहाइंड द मिरर हो जाएगी मेरे पास। तो अब फाइनल इमेज कौन कौन सी है, फाइनल इमेज एक तो मेरे पास ये वाली है, मानते हो ना बच्चा, फाइनल इमेज ये वाली है मेरे पास और एक ये वाली है। इन दोनों का सम कर दूं मैं तो 270, 270 प्लस 70 340 आएगा, तो 340 इज नॉट इक्वल टू 360। इसका मतलब सुपर इम्पोज नहीं करेगी, मानते हो बच्चा, ठीक है। सुपर इम्पोज नहीं तो कितनी इमेज बनेगी, एक दो तीन चार और ये पांच, तो मेरे हिसाब से कौन सा पांच आ रहा है। कितने लोगों का पांच था भाई, किसी का भी नहीं था पांच क्या, चलो अब तो सब बोलेंगे मेरा था मेरा था। चलो कोई बात नहीं, आया समझ में, चलो चलो कोई, तू तो होशियार बच्चा भाई प्रमोद। हाँ जी करण जी, मान लिया आपका भी फाइव था, ठीक है, गुड बच्चा। अब मैं एग्जांपल आपको कितने मर्जी करा लूं, एक और ले लो, चलो शॉर्ट ट्रिक याद रखो बस, बेसिकली और कुछ भी नहीं है। एंगल 60, ये एंगल 20, ये एंगल 40। अब सब लोग सही कर दो भाई प्लीज, कितनी इमेज बनेंगी। ओके आंसर, सारी वैरायटी उपलब्ध है मेरे पास, तीन चार छह सब ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे, पांच भी आ गए, वेरी गुड शाबाश, कोई कमी नहीं है आंसर्स की, वैरायटी की। चलो M1 M2, इसको मैं मान लेता हूं M1, इसको मान लेता हूं M2। तो M1 से कितना है डिस्टेंस, 40, तो पहला 40 डिग्री बनेगा, दूसरा बनेगा 20 डिग्री पे, फिर मिरर का मुझे एंगल ऐड करना है, तो एंगल कितना है 60, तो ये बन गया 100, ये बन गया 80, ये बन गया 140 और ये बन गया 160। इतनी बात समझ में आई, अब फर्दर ऐड करूंगा तो 180 क्रॉस हो जाएगा, तो फर्दर ऐड मुझे नहीं करना है, ठीक है। अब ये फाइनल इमेज इसकी ये है, इसकी ये है, दोनों का सम कर दूं तो 300 आ रहा है, प्लस 60 ऐड कर दूं तो 360 बन गया, तो 360 बन गया, तो सुपर इम्पोज करेगी, तो एक इमेज तो ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगे, मतलब फाइनल इमेज आपस में सुपर इम्पोज करेंगी,
तो एक ही मानना पड़ेगा, किसी एक को ले लूं, ये वाली, तीन ये, दो ये, तो पांच बनेगी। जिसका फाइव आंसर है उनकी बल्ले बल्ले, बाकी सबकी थल्ले थल्ले। ओके गुड, जिनका था बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं था कीप ट्राइंग। ठीक है बच्चा, यहां तक कोई तकलीफ बच्चा किसी को जो मैंने आज आपको बताया, कोई तकलीफ है इसमें? एक तो हमने एंगल ऑफ डेविएशन निकालना सीखा है, किसका, अकेले मिरर का, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर का निकाला है, फिर मैंने बताया कितनी इमेज बनेगी पैरेलल वाले में, ठीक है, और कितनी बनेगी इंक्लाइंड वाले में। ये तीन कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, इन तीन कंसेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो। हाँ जी, हाँ ना बता दो। यार हैंड रेज मत करो प्लीज, चैट में बता दो मुझे। चलो गुड है, कल मैं और इंटरेस्टिंग, अच्छा वाई सुपर इम्पोज पूछ रहे हैं लोग, मैं आपको डायग्राम शो करूंगा कल, ठीक है जी। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। बच्चों का एक डाउट तो मुझे समझ में आ रहा है कि सुपर इम्पोज कैसे, बताओ सही कि क्यों हो रही है, तो मैं विद डायग्राम आपको कल आपको शो करूंगा कि कैसे क्या है, ठीक है, कैसे सुपर इम्पोज कर रही है। ठीक है बच्चा, आज तो आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो कल मैं आपको बता दूंगा कैसे सुपर इम्पोज करती है विद डायग्राम, ठीक है। चलो चुक जी बता देंगे आपको कल आपको, ठीक है जी, क्यों सुपर इम्पोज करती है। बाय बाय।